देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वांगड़ अंचल में वो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बेड़ेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की गई थी सवाई माधोपुर से, और अब गृह मंत्री अमित शाह वागड़ में परिवर्तन यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे। मिशन 200 विधानसभा सीटों को कवर करने का है। चार चरणों में परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे, वागड़ में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ ही बेड़ेश्वर धाम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भिवानी में सर्कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 1500 नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, 1500 नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मिशन हरियाणा पर सर्कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। भिवानी में ये कार्यक्रम रखा गया है, ये सर्कल शपथ ग्रहण समारोह। 1500 नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की, जहां पर बीजेपी पूरा मिशन साधे हुए है। आज सतना के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सतना के दौरे पर रहेंगे। यहां पर नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 जिले से बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। गुलाम नबी आजाद, हरीश सालवे को भी इसमें जगह दी गई है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्य टीम अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
इस हाई लेवल कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह भी सदस्य होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद को भी इस कमेटी में रखा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी एक देश एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस 8 सदस्य कमेटी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया है, लेकिन अधीर रंजन ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर बता दें। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। फलोदी और जोधपुर का दौरा करेंगे सीएम गहलोत। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का जायजा लेंगे। जय नारायण व्यास स्मृति भवन का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। तो 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फलोदी और जोधपुर का दौरा करेंगे सीएम। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओडिशा के 6 जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। बिजली गिरने से 10 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। 3 लोग अभी भी झुलसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा के 6 जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। अगले 4 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा के 6 जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी झुलसे हुए हैं। ओडिशा में अगले 4 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि आकाशीय बिजली का कहर भी एक तरफ लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग भी हैं जो कि आकाशीय बिजली की चपेट में आए और झुलस गए। हालांकि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ओडिशा के 6 जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब के गुरदासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। हीरोइन के 15 पैकेट खेतों से बरामद किए गए हैं। हीरोइन की कीमत लगभग 75 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी तस्करों ने इस खेप को मंगाया था। पंजाब के गुरदासपुर से ये बड़ी खबर है। तो देखिए 75 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हेरोइन के 15 पैकेट जो है उन्हें खेतों में डाल दिया गया था तस्करों द्वारा, और यहीं से टीम ने इन्हें बरामद किया है, जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए बताई गई। मामले में 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी तस्करों ने यह खेप मंगवाई थी।
चलिए जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। आम लोगों की हत्या करने करने वाले आतंकियों को दी थी मदद। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 दिन भारी वाहनों पर दिल्ली में रोक रहेगी। 9, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। 3 दिन में 207 ट्रेन सेवाएं रद्द की गई हैं। 36 ट्रेन सेवाएं शॉर्ट टर्मिनेट होंगी। सम्मेलन की तैयारियां देखिए राजधानी दिल्ली में तेज हो गई हैं। 3 दिन के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। 9, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। देश में नौजवानों को गुमराह करने के लिए देश के दुश्मन लगातार अलग अलग समय पर कई साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मनों की ऐसी ही कोशिशों को नाकाम करने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसके जरिए देश के दुश्मन नौजवान पीढ़ी को गुमराह कर सकते हैं। साथ ही SSP ने लोगों से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से सावधान रहने की अपील की है। प्रोसेस चलता रहता है। चोर सिपाही वाली गेम है भी, हमेशा सिपाही पुलिस जी है चोरों को फड़न की कोशिश करती है। वो कोई नवी टेक्निक लभ लेंगे, फिर पुलिस उस टेक्निक का तोड़ लभदी है। सो इट्स लाइक दैट। ये क्योंकि असी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, साडा इंटरनेशनल बॉर्डर भी 26 किलोमीटर का पाकिस्तान के नाल लगता, तो जोड़ा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होंगे थोड़े सेंसिटिव होंगे। उत्थे साड़िया इस्टैबलिशमेंट इदा दियाँ होंदिया जिन्हों सिक्योर करके रखना होंगे। उधर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए PRT शिक्षकों से मुलाकात की, और इस दौरान PRT शिक्षकों ने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार जताया। शिक्षकों ने बताया कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बेहद अच्छी है और आज तक कभी इतनी अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इस ट्रांसफर पॉलिसी पर मोहर लगाकर भलाई का काम किया है।
देखिए ट्रांसफर पॉलिसी जो बड़े पहले तो वैसे जो पिछली भी बारी थी वो भी काफ़ी हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल था काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिछली बार जब हमने ट्रांसफर की तो उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां हमें पाई गई थी और उन खामियों को अबकी बार दुरुस्त कर दिया बिल्कुल। अभी मेरे पास कुछ संगठन आए थे और उन्होंने भी तारीफ की कि मतलब इतनी अच्छी पॉलिसी आज तक अभी बढ़ी है, तो जल्दी इसको हम शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर मास में हम इसको शुरू करके इस मास में हम सारे सारा कंप्लीट कर देंगे, सारे ट्रांसफर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब के अमृतसर की, जहां पर घरिंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल घरिंडा पुलिस ने एक DJI ड्रोन को 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया था जिसके दौरान 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। SP जुगराज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तलाशी के दौरान धनोई खुर्द नाले के पास एक खेत में DJI ड्रोन बरामद किया गया, जिसके साथ हेरोइन से भरी बोतलें भी बरामद हुई हैं। साथ ही SP ने बताया कि इस संबंध में घरिंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्रोन की मूवमेंट हुई थी जिहड़ा सानू इनफॉर्मेशन मिली सी, जिस ते साडी पुलिस स्टेशन घरिंडा की टीम ने मौके पर पहुँच के ड्रोन भी रिकवर किया है, तो ड्रोन के नाल नाल जिहड़ी है हेरोइन भी रिकवर हुई है। सो फरदर अगे असी मुकदमा दर्ज करके दी तफ्तीश नू अगे वधा रहे हैं और ये बहुत जल्द इस चीज़ का भी खुलासा किया जाएगा कि किस बंदे ने मंगाई सी और जिस भी बंदे का नाम तफ्तीश के सामने आएगा उस बंदे इस मुकदमे के नॉमीनेट करके फरदर अगे जिहड़ा वा उहदे खिलाफ कानूनी कार्रवाई।